हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय ब्लॉग। रविता गुरु जी, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। आज हल्द्वानी में होली मिलन है। मैं थोड़ी लेट हो गई, तब तक प्रोग्राम स्टार्ट हो चुका था, तो ये प्रोग्राम यहाँ से मैं देख पाई हूँ। आज हमारे होली मिलन में ये प्रोग्राम को इंजॉय कीजिए। हमारे महोदय हैं, जितने भी रिटायर हमारे कर्मी रक्षा हैं, उनसे भी निवेदन है कि आप प्लीज दो शब्द हमारे इस नए नए जो भी कार्यक्रम होते हैं बताते रहते व्हाट्सएप में। अगर इस हल्द्वानी में मेल मिलाप से रहें और ठीक ढंग से सभी कार्य करेंगे तो हम लोग इस होली मिलन का जो हर साल हम लोग करते हैं उसका उपयोग कर पाएंगे। और जितने भी हमारे रिटायरमेंट हुए उन सबको मैं बहुत बहुत बधाई दे रहा हूँ। वो हमारे नए रिटायरमेंट के नए सदस्य हम लोगों के बीच में आए हैं, उनको भी उनके फ्यूचर के लिए बहुत बहुत बधाई है। आप सब और सीनियर सिटीजन के आदि उसी को स्वागत और बाहर से दाल मांगना वेलकम के लिए वेलकम लगने को पत्र देने हैं। कहीं से कहीं लग रही हूँ लेकिन अने की उपस्थिति कहने लगा है बहुत ही सोचने विषय है। इस बारे पर यह रंगकल इकाई के कार्यकारिणी को सोचना पड़ेगा कि संख्या कम जुटे हो देगी, जबकि हल्द्वानी कम से कम 300-400 फैमिली की नहीं तो कम से कम की परिवर्तित नहीं मिलते 400-500 है। लेकिन यहाँ हम इसके पीछे आप लोग मनन करिए, सोचिए, क्योंकि बड़ा आगे बढ़ना हम ठीक से रोशन कर रहे आगे बढ़ना। आज देखो एक मैं उदाहरण दे रहा हूँ बरेली, क्योंकि मैं बनने जा रहा है हम ऐसा क्यों, इसका पूरा श्रेय है कार्यकारिणी है, कार्यकारिणी आम शिक्षित वाम शिक्षित उसको ये होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। जो इन अंत से घासा चलता जो आगे बढ़ेगा उसको सुनना भी पड़ेगा, समझना भी पड़ेगा, तभी जाके जब कार्यकारिणी गठित करके कार्यकारिणी को आगे आना पड़ेगा तो समझना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा कि धर्म पीछे क्यों है, इतनी संख्या क्यों है। जब हम 400 हैं तो 300 में 800 हो जाए, तभी हर जगह से राह लगे राम यहीं हो रहे, दिल्ली बॉम्बे या बाहर की राज सब यहीं इकट्ठा हो रहे हैं, अच्छी जगह है। लेकिन इसको आप लोगों को सोचना पड़ेगा। मेरा ये विनती है कार्यकारिणी जो पुराने हैं जो आने वाली जो कार्यकारिणी बनेगी इस बारे में सोचे, सीरियसली सोचे कि रंग लोगों की एकता कैसे बनी, कैसे एकता बनी रहेगी, ताकि ये नहीं रंग मारी। जैसे आज बरेली उदाहरण है मैंने आपको सुनाया तो अतः ही करते उदाहरण हमको हल्द्वानी में रहना पड़े पजन, ताकि वलम मार रहे गांव में जाए ये महसूस हो कि अरे इनकी तो एकता यहाँ बुझे, इनके इनसे टकराओ, इनसे कुछ मत करो, तो एकता में तो ताकत होती है, वो दिखाना भी पड़ता है। अब ऐसे करेंगे दो दो चार चार तीन महीना दायर लगे तो कैसे होगा? आप लोगों को बड़ी गहरा सोचना पड़ेगा, आज क्या हम भी हैं सबको सोचना पड़ेगा, सब मीटिंग में होता है इकट्ठा होगा हमें सोचना पड़ेगा, खाली व्हाट्सएप के माध्यम से नहीं। अरे फोन भी तो कर लिया आप किसी को, अब जैसे कई लोग हैं मेरे को फोन ही नहीं आया, अरे फोन तो कर लिए, व्हाट्सएप ही एक बहुत सा माध्यम नहीं है, अब फोन भी करके उसको लेगा यार मेरे को बुलाया, आज कभी नहीं पूछा हमने कल से भी क्या कहते हैं चलो चलो हमने वो घर भी मनाया पता नहीं, लेकिन एक फोन कर देते आप लोग हो सकता है आ जाते ऐसे नहीं। लेकिन बहुत से लोगों के दिनों में ऐसा होता कि अरे हमको बुलाए हम क्यों जाए, हो सकता किसी दिल की बात हो, लेकिन हमें एक बात दिखानी है। तो यही नहीं रंगला संस्था हर काम करिए, तो आप छोटे प्रोग्राम को लेकर आप ईगो बनाओगे तो ये चलेगा नहीं, तो उसके बाद हमको सबको एक करना पड़ेगा, अगर हम सबको एक रहना पड़ेगा, पड़ेगा दोस्तों से अन्य लाना पड़ेगा, तभी तो हम आगे बढ़ेंगे। राम कभी विचार करेंगे भावना करेंगे, लेकिन इस पर फिर बुरा मानने वाली बात नहीं है। मैंने कड़वे शब्द तो नहीं कहा, लेकिन एक कड़वे शब्द सच्चाई है कि हम लोग आपस में नहीं हो पा रहे हैं,
इसके पीछे भावना को समझना पड़ेगा, हमें आगे बढ़ना पड़ेगा, भले हमें इसके लिए टीम बनाकर डोर टू डोर कंप्लेन करना पड़ेगा, ताकि उसे बहुत सारी बातों का समाधान हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप सभी लोगों को उपस्थित समुदाय को बहुत बहुत धन्यवाद। बिल्कुल होना चाहिए और जो है होली मिलन का जो है कुछ साल से दिखना चाहिए। एक्चुअल हम जो है अपने संस्था के प्रति जो है सभी लोग खो चुके हैं, तो वैसे हमको आज जो मेन जो है पर्पज था रंगों का कि होली मिलन समारोह जो है का कार्यक्रम रहेगा और उसमें जो है जो हमारे कार्यकारिणी का चुनाव होगा उसमें हमको ज़्यादा जोर देना था। मंच में आसीन की पदाधिकारी है, सबसे पहले मेरा हार्दिक अभिनंदन। यहाँ पर जितने लोग उपस्थित हैं सबको पहले दिल से जो है आप लोगों का शुक्रिया। मैं यही सोचता रहा बहुत देर से, जो कार्यक्रम है यहाँ पर मेरे ख्याल से तीन कार्यक्रम चल रहा है यहाँ। एक तो रिटायरमेंट पार्टी का चल रहा है, सम्मान कर रहे हैं हम लोग, दूसरा होली मिलन का कार्यक्रम। तो ऐसे पुण्य काम जो इतना अच्छा सुअवसर है, इस अवसर को हमें बहुत सही ढंग से लेना चाहिए। तो सबसे पहले मैं जितने भी हमारे रिटायरमेंट वाले लोग हैं या सेवानिवृत्त लोग हैं उनको मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ दूसरे कार्य के लिए। साथ ही साथ ये होली का जो मिलन का कार्यक्रम है, शायद मैं भी काफ़ी पुराना हल्द्वानी के निवासी में से हूँ। पहले हम लोग देखते थे बड़े हर्षोल्लास से जो है होली का कार्यक्रम मनाते थे, घर घर जाते थे, तो हमें बड़े आनंद होता था। अब धीरे धीरे समय के साथ ये परिवर्तन जो आ रहा है, अब उस परिवर्तन को किस तरह से आ रहा है ये लेना चाहिए था हमें दिमाग, क्योंकि हम लोग इतने हल्द्वानी में मेरे ख्याल से मैक्सिमम जो रंग लोग है हल्द्वानी में रह रहे हैं, चाहे दौसा से हो चाहे लखनऊ से चाहे, तो एक यूनिटी जो दिखना ही चाहिए। अब कभी भी शायद बहुत सारे लोग हमारे कर्मचारी वर्ग के हैं, जब भी मैं सुनने में आता है कि आप लोगों का जो है सौका लोगों का रंग लोगों का क्या यूनिटी है, हम लोग बहुत अच्छा लगता है कि ये जो है इतना बड़ा यूनिटी है, तो तारीफ करते वाले लोग आज इस यूनिटी से हम दूर क्यों भाग रहे हैं, ऐसा क्यों हो रहा है, ये एक सोचने वाले विषय है। मुझे लगता है एक चीज जैसे रामसिंह सोनाल जी ने कहा था, वैसे ये मंच आज इंजॉय करने का मंच था जो हम दूसरे मोड पर ले आया, ऐसे लेकिन ही आना चाहिए था, क्योंकि एक ऐसा कार्यक्रम है जिसमें हम लोग सबको एक साथ मिलकर जो एंजॉय करना चाहिए था। मगर यहाँ देखता हूँ कुछ, जैसे राम सिंह सोनाल भाई साहब ने जो पॉइंट उठाया था बहुत अच्छी पॉइंट था वो, जब भी हम यहाँ कार्यक्रम होता है ना यूटिलाइजेशन होना चाहिए, तो यूटिलाइजेशन कैसे होगा, जैसे कुछ जगह पर जैसे शादी समारोह होता है या बर्थडे पार्टी होता है, जब भी आप आते होंगे जरूर ये चीज महसूस करते होंगे कि यहाँ पार्किंग की बड़ी दिक्कत है, हमें जो है एक एक किलोमीटर से चलना पड़ता है। भाई साहब जो शायद बहुत कम लोग आए, एक चीज़ और कहना चाहता हूँ मैं लास्ट मंथ में, शायद हम लोग होता है इनविटेशन करने का अलग अलग तरीका होता है, मानते हैं व्हाट्सएप ग्रुप बड़ा ग्रुप है हमारा, कुछ लोग जैसे जितने रिटायरमेंट के लोग को आपने चिन्हित किया था आज, शायद एक पर्सनली फोन करते हैं तो शायद कुछ 60 या 70% जो लोग पहुँचते हैं, क्योंकि उनके लिए तो समारोह कर रहे हैं हम, उन्हीं को हम फोन से सूचित नहीं कर रहे, तो ये चीज थोड़ा सा लगा। ठीक है, सही बात, थैंक यू वेरी मच, सब आभार है आप लोगों ने इतना समय दिया। उत्तरपुर से आए हमारे श्री कुंदन सिंह बहुत ही सबसे दूर से आए हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद है। बाकी और लोग भी जो यहाँ से आया है इतनी गर्मी में, ये कार्यक्रम हमारा पहले भी मैंने कहा था जो उस वक्त वो 20-25 लोग गए और 20-25 ही घर में मैसेज पहुंचा, उसका कोई बहुत ज्यादा लाभ नहीं मिलेगा। मैं सबसे पहले तो रंग कल्याण संस्था जो भी कार्यक्रम कराती है सभी को व्हाट्सएप के माध्यम से रिसीव करती है, जैसे साहब ने कहा वो बात बिल्कुल अच्छी बात है। बहुत लोगों के नंबर नहीं मिल पा रहे थे, कल गुंजाल जी ने मुझसे कहा था, तो पहले सबसे पहले मैंने स्टार्ट किया था हमारे हरीश पटिया जी से, मेरे भाई का नंबर मेरे पास था, पता लगा उसका फोन नहीं उठा, तो मैं 3-4 बार मिलाया, घंटे जा रहे थे उठा नहीं रहा था, तो मुझे बड़ा अजीब हुआ यार, पहले ही मैंने फोन लगाया और उसका लग नहीं पा रहा, घंटे भी जा रहे उठा भी नहीं रहा, उसका फोन आज आया कि मैं राजस्थान में हूँ, मैं तो घूमने गया हूँ बालाजी गया हूँ, मैंने कहा कल उठा लेकर, तो मेरे घर से और लोग घूम टांग के सबको मैं फोन करने लगता। फिर
बात जहाँ तक आपकी बात बिल्कुल सही है, जब के भाई ये सब चीजें कार्यक्रम कराने होते हैं तो एकदम यही बात कर रहा था कि अध्यक्ष जी भी हमारे बाहर चले गए, उन्हें शादी वादी में जाना था तो वो कार्यक्रम शादी का कार्यक्रम कुछ डिले हो गया जिसकी वजह से वो आ नहीं पाए। अब वो कल रात पता लगा, अब उस कार्यक्रम को हम टेंशन दे रहे हैं। हम सब एक है और एक ही रहेंगे, और हम यहाँ ऐसा नहीं कि कमल वाला अलग है, हटरे वाला अलग है, ऐसा क्यों सोचते हो? हम लोग रमनीय है, कल वहाँ बाहर जाते हैं मुसलमान लोग सब एक होते हैं ना, हम लोग एक क्यों नहीं हो सकते? यहाँ पर लड़ क्यों रहे हैं हम, कितने लड़ रहे हैं? अच्छा दूसरी बात, हमारे घर में राशन पानी हो ना तो कोई मेहमान आए तो हमको चिंता नहीं होती है, होते कि नहीं होते है? ऐसे ही हमारे OPI सब जमा हो, हमारे पैसा हो तो कभी किसी के ऊपर नहीं, हमारे ऊपर ना यहाँ किसी के भी ऊपर संकट आ सकता है, कभी किसी को जरूरत पड़ सकती है तो हम कभी पैसा उतारे आए तो सुबह उतरना है क्या? कुएं हैं, समुद्र है, यहाँ भी तो वो सूखता है। तो आप सभी लोग विनम्र निवेदन है कि हम सभी एक समझ के, हम सभी मेरा घर का काम है, मेरा काम है तो सोच के करिए, इवन करेगा तो मैं जितना दिया तो मैं लूँ, अरे वो करेगा तो ऐसा ऐसा कभी नहीं सोचना चाहिए, नंबर वन। और हम ये कुछ अंगूले क्यों उठा रहे हैं? अंगूले उठा तो ये देखो कि अंगूली हमारे पास आता है, हम अपने अंदर झाँक के देखो कर कि हम क्या हैं, क्या कर सकते हैं, तो हम दूसरों को दोष दें तो अगर नहीं देने में झटके हो तो दे दे दो, नहीं नहीं है लेकिन परसों उधर है ना, परसों उधर कर दिया, गूगल कर दिए, फिर कर दिए दीदी इसकी उसमें गूगल कर दिया, या गूगल करती तेरी छुट्टी को बती बधाई हो आपको, बधाई हो बधाई हो, सम्मान तो पहले हो गया रहा, हो गया रहा ना, जो भूख माला तो पकड़ रखा है। अब इस बार के पदाधिकारियों का चुनाव होगा, प्रणाम प्रणाम। रंग मिलन केंद्र हल्द्वानी, यहाँ पे आज होली मिलन का प्रोग्राम चल रहा है, यूट्यूबर बढ़िया चल रहा है, बढ़िया, लेकिन पीछे का लाइट सब ऑफ है ना, पीछे बहुत ही काला काला हो रहा है। नहीं यार जाओ कह रहे सदस्य, हम एक्टिव मेंबर बने। आप लोगों की ओर से सुझाव चाहते हैं, पदाधिकारियों का चुनाव होना स्टार्ट हो गया है प्रोग्राम, इस बार जो रिटायर्ड हुए हैं उनको सम्मानित कर दिया है। आज मैं उनको देखते हैं सुबह, उनको देखते मैं समझते रही थी कुछ ना कुछ नाम बोलेंगे। खुन्नू जी, अरुणिया, हल्द्वानी शाखा के संरक्षक पद के लिए श्री उत्तम सिंह नवेद जी का नाम आया है, हरेन्द्र सिंह रौतेला जी ने नॉक जॉब किया और सेकंड किया है श्री ईश्वर सिंह कुटिया जी ने। अध्यक्ष पद के अरे वर्षा विधानसभा की बात क्या करोगे, अध्यक्ष बुला रहे हैं। राज्य सभा को जो है जो होली मिलन और सेवानिवृत्त को जो है प्रोग्राम दीजिए, इसके साथ साथ जो है रंग कल्याण संघ का हल्द्वानी जो है कार्यक्रम होता है, जहाँ तक जो है दरिया विश्वादनी दरिया से जो पूछो तो जी जो है
अध्यक्ष पद को जो है वो केवल रूप नहीं है, और दूसरा तकनीकी रूप से जो है ये राम कल्याण जो है पदाधिकारी ललित पत्र हो जाए ना, भले ही जो है 1989 से लेकर बरेली से लेकर तमाम दौरे जो है कुछ लगातार हिस्सा भी नहीं, लेकिन तकनीकी रूप से जो है ये पदाधिकारी ललित पत्र, इसलिए निवेदन है कि मेरा नाम जो है वापस कर दीजिए। देखिए ऐसा है, ये पॉलिटिकल बात कर रहा हूं मैं, केजरीवाल को कोई अनुमति था, सीधे मुख्यमंत्री हो गए हैं और हमारे चरण सिंह सीपाल जो है अध्यक्ष पद संभाल नहीं पा रहे हैं, ये बहुत अफसोस की बात है। करेज रखिए, हिम्मत रखिए। अगर भागे आइए वो पानी का दुर्घटना कर को कांग्रेस मैं अनुमोदन करता हूँ। थैंक यू आप सभी को, और मैं चंद्र सिंह सिपल बैठक की समर्थन में जो है अपना नाम वापस लेता हूँ। जो असमर्थता क्यों अपना दिखा रहे हैं, तो ये क्लियर हो गया है, अध्यक्ष पद के लिए चंद्र सिंह सिपाल जी, ठीक है, ये फाइनल हो गया है। अब उपाध्यक्ष पुरुष के लिए नाम नामित कीजिए आप लोग। पद के लिए मैं श्रीमती भरोसी प्रस्तावित करता हूँ। सजीव पद के लिए जो है बहुत एक्टिव आदमी जो है जरूरत है, और हमारे जो पूर्व सचिव रितेश भाई को जो है इस बार उतना अवसर नहीं मिला है, उन्होंने रितेश से इंदिरा जी का नाम प्रस्ताव किया। मैं समझ करता हूँ ऐसा है, इस समय काफी कार्यक्रम है रंग कल्याण संस्था का, एक तो मंथन कार्यक्रम आ रहा है, एक हमारा जो कौन सा संघ हुआ है 19 तारीख जो भी है स्थापना दिवस, ये दोनों ठीक से संचालन हो इसके लिए मैं इनके नाम का समर्थन करता हूँ। संस्कृति सचिव के लिए नाम जो है प्रस्तावित कर रहा हूँ। मेरी तरफ से समर्थन कृष्ण सिंह सोनार,
कृपया जो नई कार्यकारिणी है कृपया आप उपाध्यक्ष पुरुष बबन सिंह पंचा महिला भरोसी व्यास सचिव रितेश कुंजिया उप सचिव तारा यहाँ की कोषाध्यक्ष पुनीत सिंह यहाँ की सांस्कृतिक सचिव अंजुन कुंडियाल खेल सचिव कृष्ण सिंह सोनाल ऑडिटर कुंवर सिंह यहाँ की और दूसरा मनोज गुप्ता आपको बहुत बहुत बधाई धन्यवाद। अब मैं सचिव महोदय से निवेदन करूँगा धन्यवाद सभी लोगों को मिला के प्रणाम। मैं कृष्ण सिंह सोनार अभी तुमना बांझा भरतपुर एम में निवास करता हूँ। हाल ही लगभग 9 महीने पहले मैं जेएससी मुंजारी से यहाँ अल्दानी ट्रांसफर में आया और वर्तमान में दिनेशपुर मिदनापुर विद्यालय में कार्यरत हूँ और मेरा बचपन से ही स्टूडेंट लाइफ से ही मैं गेम्स के प्रति काफ़ी रुचि रखता था और काफ़ी बच्चों को आगे तक भी बढ़ पाया। अभी वर्तमान में मेरे जो बच्चे हैं नेशनल खेल रहे हैं अलग से, तो मैं चाहूँगा कि जितना कार्यभार मुझे दिया गया है मैं पूरी ईमानदारी के साथ खेल भावना के साथ बिना भेदभाव किए जो प्रतिभागी धन कल्याण संस्था के अंतर्गत आएंगे उनके साथ स्वार्थपूर्ण ढंग से उनके साथ व्यवहार करूंगा। धन्यवाद। नमस्कार, श्री सौसभ कुमार सिंह की पीएनबी एजी रिटायर कर दिए जो ऑडिटर कर आए थे उपस्थित जमा सामाजिक प्रणाम जी मगन सिंह नकल सियाल भारतीय जीवन बीमा निगम को जो है और हल्द्वानी गरिया के पीछे में धन कल्याण संस्था को जो है जिन पर मुझसे लिख के देंगे धन्यवाद। सभी को नमस्कार, मैं उत्तम सिंह अलियाल, मैं न्याय विभाग से एज ए डिस्ट्रिक्ट से रिटायर हुआ हूँ, हल्द्वानी सचिव हूँ, लेकिन मैं बहुत कम समय दे पाता हूँ, थोड़ी सी शारीरिक दिक्कत है, फिर भी मैं प्रयास करूँगा कि धन कल्याण संस्था जो पूरा टीम है टीम को प्रॉपर मार्गदर्शन इस बार एक खुशी है कि 30% रिजर्वेशन होता है महिला मन में। धन्यवाद लवे और हम इतना मुद्दे जी का था बहुत चले कली पति को लेव जम लेकिन मार्ग चले और जो गणी से दायित्व तो दायित आपकी या उन्होंने अभी वो भर सक बिल्कुल तन मन से जो धन से नहीं चलो तो अच्छा गाड़ी तन लक्ष्य मुझे सब लाभ आ जाए जितना जे पिंड से जितनी तस्वीर मुझे लीजिए जे तो लेता बल्कि जे पोम पोम चीज केंद्र बनम जो जी का पंगोल है इन्हें तो जो रोल है वो भी तो यहाँ की घर लिया गया है अब मैंने कितना चीज हो दी अल्मोड़ा पूछती है ये भी नहीं तो और सब लाख चीजें तो है रिटायरमेंट आते हैं अब बाकी गरीब मतलब जितना सहयोग और गुरुदास आ रहे अच्छी छुंग और ये सबको दिव जाए कुछ छुंग भाई नहीं और घर खेले में कथा करी कथा कर जुड़ी मैं सुमरा गई कथा का जो जम तो लेकिन
શું પૂછ્યું કે જે જે બધા કઈ કથા ભાજે આજે વખત જવાબ દામ જે લીધી હતા લેખું તો નહીં અહીંયા મતું કે સાઈકલ વાળા લાગે ક્યાં લેતા સાઈકલ વાળા તો જલ્દી દેતા મત ચેર પૈસા લો તો તું છે सभी बड़ों को प्रणाम को आशीर्वाद मैं अंजी को क्या हूँ और पहली बार मुझे पद मिला है तो मैं पूरी कोशिश करूंगी कि मैं कामयाब हूँ और बहुत धन्यवाद सभी बड़े लोग को प्रणाम और छोटे पाठक आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मुझे घोषणा के लिए नामित करने के लिए और मैं यहाँ पर 5 साल से अजवानी में हूँ और ओरिएंटल इंश्योरेंस में कार्यरत हूँ कोषाध्यक्ष होने के नाते मैं आज अपना ओपीआई आज के दिन जमा कर दूंगा 12,000 रुपये आज शाम तक में जमा करूंगा धन्यवाद दूसरी पारी के लिए मुझे नामित किया सचिव पद के लिए जिम्मेदारियां बहुत है उसको मैंने काफी अच्छी तरह से वहन किया था पर इस बार सोचा कि थोड़ा सा मैं फ्री हो जाऊंगा पर आप लोगों ने मुझे पुनः नियुक्त किया इसके लिए भी तहे दिल से धन्यवाद कि मैं पूर्ण रूप से समर्पित होकर कल्याण संस्थागर जो भी लन नदी हुए हम लोग तन मन धन से लन हुए हम लोग और हमारे पूर्व सर्वक्ष महोदय श्री गणेश मालापर उनका सम्मान करें हमारे अध्यक्ष महोदय श्री सिपा जी उपाध्यक्ष हमारे मगन सिंह नपंचा जी श्री जी श्री हमारे ऑडिटर श्री मनोज सिंह गुप्ता जी और हमारे श्री कोषाध्यक्ष महोदय हमारी पूर्व उपाध्यक्ष श्रीमती सीमा गंगा जी हमारे नए सांस्कृतिक सचिव कार्य को अंजाम देंगे इन्हीं शुभकामनाओं के साथ पुनः आप लोगों को धन्यवाद हमारे रंग कल्याण संस्था के नए पदाधिकारी ना दामी नहीं सो
इंडिया बचा है, हाउस हो गया, फर्स्ट हाउस इंडिया भी हो गया आपका, इंडियन हाउस दोनों हो गया, इंडिया भी हो गया, मेरा भी हो गया, आपका मतलब आपने पाकिस्तान हो कर दिया, मिस कर दिया, मिस कर दिया, नंबर मिस हो गया, ऐसा है ना, इंडिया भी हो चुका है और फर्स्ट हाउस भी हो चुका है, पाकिस्तान मिस हो गया तो पाकिस्तान अभी बचा हुआ है, ठीक है, और दोनों का इंडिया का ले लो और हाउस का, पाकिस्तान किस तरफ है, इस तरफ जिमोपो नंबर पाकिस्तान बचा है, फर्स्ट हाउस हो चुका है, इंडिया भी जा चुका है, फर्स्ट लाइन भी बचाया था आपने, शायद आपका पता नहीं कौन सा टिकट हुआ होगा, लेकिन तीन लाइन ना वो मैं हां तो फर्स्ट लाइन बचा मैं 25 दे बाकी लाइन गए सारे, लाइन सारे गए, फर्स्ट हाउस हो चुका है, पाकिस्तान बचा हुआ है अभी और फर्स्ट लाइन बचा है, हाउस बचा है, हां बचा है अभी, थ्री वन थर्टी वन फोर सिक्स फोर्टी सिक्स 8686 क्या हुआ, पाकिस्तान 86 में गया, Yeah.
लोग मुझे अपनी ओर खींचे लेके आ रहे हैं। आज हमारे यहाँ को मिला है, रिटायरमेंट के बाद सम्मानित किया गया है और रुद्रपुर से यहाँ हल्द्वानी सम्मानित होने के लिए आए हैं सम्मान के साथ। हो गया आज हम लोगों का होली मिलन और सब लोग निकल चुके हैं, मौज मस्ती, खाना पीना, तंबोला, गेम, सारा चीज हो चुका है। सब लोग अपने अपने घर की ओर निकल गए। आज हम लोग का यहाँ होली मिलन था, मिलन केंद्र हल्द्वानी में, रंग मिलन केंद्र। अब हम घर की ओर जा रहे हैं। आज का ब्लॉग इतना ही है। अगर आपको पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और कीजिए सब्सक्राइब। बाय।